तो एक तरफ प्रदेश का बजट जारी हो चुका है तो दूसरी तरफ अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आने लगी है। प्रदेश के बजट को लेकर यमुनानगर में मेयर मदन चौहान ने कहा कि वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य को बेहतरीन बजट दिया है। 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को भी पेंशन लगाने और 1 अप्रैल से बुढ़ापा पेंशन 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपए करके बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया गया है। जो आज चौथा बजट पेश किया गया है, भूत काल का पहला बजट है। मैं मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी आज बजट पेश किया उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया। 2 लाख रुपये जिनकी पेंशन थी उसको 3 लाख रुपये करने का काम किया। जिनकी आय 2 लाख थी और 3 लाख रुपये करने का आय जिनकी रहेगी उनको भी पेंशन लेंगे और पेंशन 2500 से बढ़ा करके जो 2750 रुपये की है 1 अप्रैल से पेंशन वो मिलने का काम होगा। और चाहे ये अपना एक कुरुक्षेत्र से जो सड़क आ रही है इसको भी नेशनल हाईवे कुरुक्षेत्र यमुनानगर बढ़ाने का काम किया। ये भी बहुत बड़ी एक यमुनानगर की डिमांड थी। जो यमुनानगर से जीडी रोड जाते जाते 1 घंटा लगता था, मैं समझता हूँ 30-35 मिनट का वो समय लगेगा। एक बहुत बड़ा यमुनानगर जिले को सौगात मिली है और लाखों लाखों करोड़ रुपए का जो एक बजट आज मुख्यमंत्री जी का है, निस्संदेह चाहे कृषि हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लिए जो बहुत ही कामयाब बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो आज